आप हिंदी फार्मिंग चैनल में और आज दोस्त हम बात करने वाले हैं कैसी खेती के बारे में जिसको आप एक बार लगाएंगे तो अगले 40 साल तक कमाई कर सकते हैं। और ये खेती है सिट्रस फ्रूट यानी कि नींबू वर्गीय पौधा जिसका नाम है किन्नू। किन्नू एक ऐसी खेती है जिसको आप अगर शुरू करते हैं तो आप एक एकड़ से सालाना 2 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं बड़े आराम से। और किन्नू है इसको लगाना बहुत आसान है क्योंकि ये एक्सट्रीम ठंड है, जो तापमान है वो 3-4 डिग्री तक हो जाता है, उन इलाकों में लगाया जा सकता है। और जहाँ पर एक्सट्रीम गर्मी होती है, जहाँ पर 45-47 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होता है, उसको भी ये सहन कर सकता है और इसको बहुत आसानी से आप बाजार में बेच सकते हैं। किन्नू है इसका पूरे वर्ल्ड वाइड बात करूँ तो किन्नू एक ऐसी खेती है जो संतरा वर्गीय है। इसका सबसे ज्यादा उत्पादन है वो पाकिस्तान में होता है और 90% पूरी दुनिया में जितना उत्पादन है वो पाकिस्तान में होता है और 10% इसका भारत में होता है। और भारत में सबसे ज्यादा किन्नू का उत्पादन होता है। राजस्थान के 2 जिले हैं, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। इसके अलावा जो पंजाब का इलाका है वहाँ पर भी इसकी खेती होती है, हरियाणा में कुछ हिस्से में होती है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में इसकी खेती होती है, कुछ इलाके उत्तर प्रदेश के जहाँ पर अब किन्नू उगाया जाना शुरू किया है। तो आप इसकी खेती पूरे भारत में कर सकते हैं। इसका सीधा सा सिंपल ये है कि जहाँ पर आप नींबू उगा सकते हैं वहाँ पर किन्नू की खेती हो सकती है। किन्नू का एक्सपोर्ट होने लगा है पिछले कुछ सालों में, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा यूरोप के कंट्रीज हैं, अमेरिका है, अरब कंट्रीज है, वहाँ पर इसकी खेती होने लगी है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि इसका जो अभी जो सबसे बड़ा मार्केट है वो बांग्लादेश है। तो आप इसको खेती करेंगे तो अब आपकी जो कमाई है वो ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ गए हैं क्योंकि इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। तो आज ये जो किन्नू का बगीचा है ये है राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, गांव है मालारामपुरा। यहाँ पर हमारे साथ एक किसान है विजय विश्नोई, जिनसे मैं आपको रूबरू करवाऊंगा और उनसे सीखेंगे कि खेती किन्नू की कैसे होती है और इसकी पूरी A to Z डिटेल हमें मिलने वाली है। विजय, आपका स्वागत है फ्रीडम प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले तो आप बताएं कि आपका जो फार्म है इसकी लोकेशन क्या है और आपने कब से खेती शुरू की? नमस्कार, मेरा नाम विजय बिश्नोई है। मेरी लोकेशन मालारामपुरा अटकेटी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ से है और ये खेती मैंने 2001 से स्टार्ट की है। जो किन्नू की खेती है वो अपने 35 से 40 साल तक चलती है। 2001 से मैंने ये स्टार्ट की है। 2023 20 साल के लगभग मुझे किन्नू की खेती करते हुए हो गए हैं। तो ये किन्नू की जब हम बात कर रहे हैं विजय, तो इसके लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए, जलवायु कैसी होनी चाहिए इसके लिए? इसका क्लाइमेट किन्नू 47 डिग्री टेम्परेचर में भी हो जाता है, जो गर्मी का 47 डिग्री टेम्परेचर होता है उसको भी सहन करता है और सर्दी के 3-4 -डिग्री में भी ये सहन कर सकता है। तो ये मोटा मोटी ये माने कि किन्नू वहाँ पर लग सकता है जहाँ पर नींबू का पौधा लग सकता है? बिल्कुल, किन्नू नींबू वर्गीय जाति का ही पौधा है, ये जहाँ नींबू होता है वहाँ किन्नू भी हो सकता है। तो अभी भारत की बात करें हम, कौन कौन से राज्यों में इसकी खेती हो रही है आपको जितनी क्या आप इस भारत में भारत के जैसे आप बात करते हो तो भारत में जैसे पहले सबसे पहले गंगानगर जिले की पैदाइश है ये, गंगानगर जिला, हनुमानगढ़ जिला, पंजाब का अबोर फाजिलका जिला और हरियाणा का डब्बाली, सरसा और हिसार, और बाद में उसके बाद में यूपी में भी होता है, हिमाचल में भी थोड़ा बहुत एरिए में होता है, इससे ज़्यादा तो नहीं मैंने देखा। तो ये जो किन्नू का पौधा है इसको कैसे तैयार करते हैं? सबसे पहले जो हमारे जो दर्शक हैं, कौन सी वैरायटी इसकी होती है, कैसे तैयार होता है पौधा? ये पौधा एक खट्टी नाम का पौधा लगता है, जटी खट्टी जिसको बोलते हैं वो पौधा लगता है। उसके बाद में उसका बीज निकाल के, उसका पौधा रोपण किया जाता है। उसके बाद में जो ये किन्नू के बड़े बाग बगीचे होते हैं उसमें से इनकी कलम काट के उनको पैन करके और वो पौधा तैयार किया जाता है। तो ये तो बात होगी पौधे तैयार होते हैं, इसकी कोई खास तौर से वैरायटी नहीं है, मतलब एक ही वैरायटी है किन्नू खुद इट्स? हाँ, किन्नू की कोई और वैरायटी नहीं है, जट्टी खट्टी से ही पौधा तैयार होके किन्नू की नाम की वैरायटी चलती है। तो ये जो किन्नू है ये दिखता तो ऐसे संतरे जैसा, जैसे इसका रंग ऊपर का ऑरेंज होता है, संतरे में इसमें क्या फर्क है? संतरे का साइज होता है वो बिल्कुल थोड़ा छोटा होता है, वो थोड़ा सा मतलब इससे किन्नू से ज़्यादा मीठा नहीं होता है और उसका साइज बड़ा नहीं होता है। किन्नू का जो साइज होता है वो बड़ा होता है और किन्नू 12वें महीने में पूरा पक के तैयार हो जाता है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और मीठा होता है। तो ये बात होगी किन्नू का पौधे किसी ने ले लिया तो उसका प्लांटिंग टाइम कैसा होता है, उसका क्या दूरी कितनी हो, प्लांट्स कैसे लगते हैं इसके? प्लांटिंग टाइम इसका होता है एक तो अपने 11वें महीने में 11वें महीने के 10-15 तारीख को लगा सकते हैं नवंबर के अंदर, और एक जो इसका टाइम होता है वो होता है 7वें महीने के में 8वें, जैसे जिसको अपने मानसून सीजन बोलते हैं उसमें लगा सकते हैं। तो ये दो टाइमिंग में लग सकता है, मानसून सीजन में जुलाई से लेकर आपका सितंबर अक्टूबर नवंबर तक 4-5 महीने में आप लगा सकते हैं। तो पौधे से पौधे की दूरी कितनी हो? पौधे से पौधे की दूरी जैसे
एग्रीकल्चर विभाग ने डिक्लेयर की है वो 20x20 और 25x25 है जी। अगर अपने 20x20 पे लगाते हैं तो एक एकड़ में 100 पौधे लगते हैं, अगर 25x25 पे लगाते हैं तो एक एकड़ में 85 पौधे लगते हैं। जी सर, जो कतार से कतार की दूरी है वो कतार से कतार की दूरी 20x20 और 25x25 भी अपने रख सकते हैं, पौधे से पौधे की दूरी पौधे से पौधे 20 और 25। तो ये दो मेथड है, 25x25 मतलब पौधे से पौधे की दूरी 25, कतार से कतार की दूरी 25 और पौधे से पौधे की दूरी 20 और प्लांट जो कतार है उससे भी आपकी दूरी 20 हो सकती है। तो ये दो मेथड से आप लगा सकते हैं। तो किन्नू जब कोई किसान लगा लेता है तो कितने वक्त बाद इसमें फल आना शुरू होता है? किन्नू जब किसान लगाता है तो इसमें 4 साल बाद में फ्रूटिंग आनी स्टार्ट होती है। 4 साल तक जब इसकी जगह जो बीच में खाली होती है उस जगह में अपनी छोटी फसल जैसे चना है, ग्वार है, मसूर है, मूंग है, दाल की कोई भी फसल है जैसे छोटी हो, कनक हो, जो हो, ये भी अपने फसल ले सकते हैं। जैसे गेहूं आपका, कपास और ये भी बोई जा सकती है? कपास तो बोते हैं पर कपास बोने बो तो सकते हैं अपने, पर कपास दो साल तक बो सकते हैं। 2 साल के बाद में कपास पौधे को नुकसान पहुंचाने लग जाती है। तो ये जो पौधा आपका लगा लिया किसी ने, इसके बाद इसको पानी कितना चिर कैसा होना चाहिए, जमीन कैसी जमीन इसके लिए सही रहती है? इसके बालू लाल मिट्टी की दोमट मिट्टी होनी चाहिए और पानी इसको हर 25 दिन बाद, महीने बाद पानी मिल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे ड्रिप की सिंचाई करते हैं तो ड्रिप की सिंचाई बहुत बढ़िया रहती है, बूंद बूंद पानी से ये बहुत अच्छा फलता है और उसमें पानी की खपत भी कम होती है। जो ड्रिप इरिगेशन है इसमें उसमें कितने दिन बाद इसको पानी चाहिए? ड्रिप इरिगेशन में अपने इसको 10 दिन बाद हर पौधे में पानी चलता देते रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और जैसे कई लोग फ्लड इरिगेशन से करते हैं जिन पर ड्रिप नहीं है, फ्लड इरिगेशन से करते हैं तो इसके अंदर सिर्फ नहर का पानी है वो यूज होता है। नहर का मतलब बारिश का, जिसमें बारिश का, हाँ जिसमें फ्लोराइड नहीं, नहर का और बारिश का पानी यूज होता है। इसके अंदर में ट्यूबवेल का जैसे और धरती से जमीन से लिया हुआ पानी इसमें अपने नहीं लगा सकते। तो उसका क्या नुकसान होता है? उसका नुकसान क्या है? उसके नुकसान एक तो फ्रूट के जो पौधे होते हैं वो खराब हो जाते हैं, पीले पड़ने लग जाते हैं और फ्रूट की ग्रोथ नहीं होती। तो ये तो बात हो गई पानी की, क्या पानी छोटा प्लांट है तो गर्मी का मौसम है तो हर 5-7-10 दिन में आप दे सकते हैं ड्रिप इरिगेशन से, और जब बड़ा हो जाता है पौधा तो आप 1 महीने में एक बार भी दे सकते हैं ब्लड इरिगेशन से। अब बात आती है कि इसमें कौन कौन सी बीमारियां लगती है? इसमें सबसे पहले जो बीमारी होती है वो सबसे पहले तो जैसे ही अपने पानी लगाएंगे, इसको खाद वगैरह डाल के पानी लगाते हैं, फ्रूटिंग स्टार्ट होती है तो सबसे पहले इसमें सिट्रसीला की बीमारी आती है, जिसको अपने जैसे नई फुटार कच्ची फुटार पे आती है उसको स्पेस पे, तो उसमें अंदर अपने स्प्रे करने के लिए अपने को चाहिए जैसे कोई भी स्प्रे, फैन वाल वगैरह कर दो, चाहे मान लो अपने ये जो तेला मारने वाले चेपा मारने वाली कोई भी स्प्रे है, कोई भी सोलोमन वगैरह कर दो, कोई भी स्प्रे लेमडा वगैरह भी कर दो, लेमडा एक्टारा भी मिला के अपने कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों केमिकल फर्टिलाइजर की बात हुई। अगर आप ऑर्गेनिक किन्नू उगाना चाहते हैं, ऑर्गेनिक खेती के जरिए करना चाहते हैं तो उसके लिए एक चीज़ है कि आपको पेस्टिसाइड अगर आप घर पे बनाना सीखना चाहते हैं ऑर्गेनिक, तो आपको इस वीडियो में लिंक मिलेंगे, दो पेस्टिसाइड जो आप बना सकते हैं, एक तो नीम आधारित है वो बनाना सीख सकते हैं, एक है आपका मिर्ची और लहसुन के जरिए आप पेस्टिसाइड बनाना सीख सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो में दिया हुआ, वहाँ पर आप सीख सकते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो बात हुई कि बीमारी इसमें, इसके अलावा कौन सी बीमारी लगती है? इसके अलावा तेला चेपा के अलावा कोई ज़्यादा बीमारी इसमें नहीं आती है, तेला चेपा के अलावा कोई बीमारी नहीं आती है इसमें। उसके बाद में अपने इसको जमीन से भी खुराक देते हैं, फ्लड से भी, और उसके बाद में अपने को जैसे 13045 है, 52034 है, उसमें खाद की स्प्रे करने से किन्नू की ग्रोथ है, पौधे की ग्रोथ है और किन्नू का जो साइज है वो फल जो होता है वो बड़ा हो जाता है। तो ये जो प्लांटिंग मेथड हमने बताया इसमें खाद की बात करें तो कौन सी खाद इसके लिए सही रहती है, ऑर्गेनिक खाद सही रहती है, कौन सी खाद इसमें सही रहती है? सबसे बढ़िया बात तो है जैसे गोबर की खाद होगी, केंचुओं की खाद होगी, तो ये खाद आजकल बहुत ही बढ़िया और पौधे को बहुत ही स्वस्थ रखती है और अपने उसके लगे उस खाद से बने हुए फल को अगर अपने खाते हैं तो वो अपने शरीर के लिए भी लाभदायक होते हैं। तो ऑर्गेनिक खेती इसमें सही रहती है। ऑर्गेनिक विधि से किन्नू उगाया जा सकता है। तो अगर दोस्तों अगर आप ऑर्गेनिक खेती सीखना चाहते हैं तो तब आपका रोल आता है फ्रीडम ऐप का। फ्रीडम ऐप पर एक पूरा कोर्स है, डिटेल कोर्स, जिसको आप घर बैठे देख सकते हैं, ऑर्गेनिक खेती कैसे शुरू कर सकते हैं, ऑर्गेनिक खेती जब आप शुरू करते हैं तो आपकी ज़मीन कितने वक्त बाद ऑर्गेनिक होती है, ज़मीन को कैसे ऑर्गेनिक किया जाता है, सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, उसके बाद जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उसको मार्केट में कैसे बेचा जाता है, तमाम चीज़ें आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन पर सीख सकते हैं फ्रीडम ऐप पर। उसमें बहुत ही डिटेल कोर्स है, वो आप देख सकते हैं। ये तो बात होगी किन्नू में लगने वाली बीमारी और उसके फर्टिलाइजर की। तो कौन कौन से वक्त पे इसको खाद देनी होती है? जैसे किन्नू की खेती है वो 1 साल की होती है पूरी,
उसके साल में एक बार फ्रूट आता है, साल में एक बार फ्रूट होता है, वो मार्च फरवरी 22 फरवरी से लेके और 20 मार्च तक इसमें फ्रूटिंग फ्रूटिंग आ जाती है पूरी कंप्लीट। उसके बाद में ये 12वें महीने में जाके इसका कलर आ जाता है और ये पक्के तैयार हो जाता है। 12वें महीने से लेके 2 महीने तक इसकी तुड़वाई चलती रहती है। उसके बाद में इसके अंदर जो क्रॉप कटिंग होती है वो की जाती है, जिसमें जिसको अपने वाटर कटाई छटाई करनी पड़ती है, कटाई छटाई करनी है, जिसमें वाटर सूट की डाली होती है वो निकाली जाती है। उसके बाद में इसके ऊपर कली नीले थोते की स्प्रे करनी पड़ती है, जिसपे जो कटाई छटाई से करते हैं तो वो जो घाव होते हैं उनमें कोई बीमारी ना लगे, कोई जख्म पैदा ना हो, पौधे में कोई किसी प्रकार की कोई डाली सूखे ना, प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए उसको कली नीले थोते को अपने करना पड़ता है। उसके अंदर कली अपने को चाहिए 2 किलो और नीला थोता चाहिए 800 ग्राम। ये कॉम्बिनेशन बना के उसको पानी के अंदर 250 लीटर पानी में घोल के उसको पौधे पर छिड़काव करना होता है। कली दोस्तों हो सकता है आपके इलाके में उसको कुछ बोलते हैं, जो दीवार पर सफेदी पुताई करते हैं वो वाला जो लाइमस्टोन होता है उसको कली पे इस्तेमाल ले सकते हैं, और ब्लू कॉपर नीला थोता मतलब ब्लू कॉपर उसको आप इस्तेमाल ले सकते हैं। ये तो बात हो गई बीमारी और खाद की, खाद इसमें आप अच्छे से दे सकते हैं, बहुत अच्छा आपका पौधा बड़ा होता है। अब ये बात आती है कि जब आपने खाद दे ली, आपका प्लांट तैयार हो गया, तो इसका जो फ्रूट है वो कौन से वक्त में इसके फूल आते हैं और कब इसका फल पक्का तैयार होता है पूरी तरह से? 22 फरवरी के बाद जब इसमें फ्रूट 22 फरवरी से लेके 22 मार्च तक इसमें फ्रूट आता है जी। तो फ्रूट 22 मार्च तक पूरा सेट हो जाता है, इतना इतना हो जाता है। उसके बाद में पूरे एक साल के अंदर पक्के ये तैयार होता है जी। 22 फरवरी से लेके 12वें महीना दिसंबर के अंदर ये तैयार होता है, दिसंबर तक तैयार होता है। तो आखिर तक कब तक इस पेड़ पर रह सकता है ये? आखिर तक मार्च तक पेड़ पर रह सकता है। तो दोस्तों किन्नू की एक सबसे खास बात यह है कि जो किसान है वो फ्रूट उगाने वाले उनके सबसे सामने जो बड़ी समस्या वो है स्टोर की। उनका फ्रूट पककर तैयार हो जाता है, उनको तोड़ना पड़ता है, बाजार में बेचना पड़ता है, इसलिए कई बार उनको भाव नहीं मिलते। लेकिन किन्नू के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि किन्नू है आपका मार्च में फ्रूट आता है, इसका फूल लगता है, उसके बाद फल बनना शुरू होता है और अगले मार्च तक ये पौधे पे रह सकता है एक साल। तो एक साल में आप इसको जब आपका तैयार होता है नवंबर से लेकर मार्च तक 4 महीने में कभी बेच सकते हैं। तो ये बात हो गई इसका फ्लावरिंग फरवरी आपका मार्च में आती है, उसके बाद तैयार होता है। अब बात आती है कि इसको हार्वेस्टिंग कैसे करें, कब करना चाहिए, किन्नू कब तोड़ना चाहिए? किन्नू 11वें महीने में पक्के तैयार होने लग जाता है। 11वें महीने से लेके अपने मार्च तक इसको कभी तोड़ के अपने जैसे बाजार में कोई अच्छे रेट मिल रहे हैं तो अपने को बेच सेल कर देना चाहिए, अगर नहीं मिल रहे हैं तो अपने को स्टोर कर देना चाहिए, तो ताकि आगे जाके अपने को इसका भाव मिल सके। तो कितना प्रोडक्शन होता है अगर 1 एकड़ की बात करें या एक प्लांट की बात करें, कितना उत्पादन हो सकता है? मेरे जैसा मैंने लगाया 20x20 पे, तो मेरे जो पौधे हैं वो 1 क्विंटल से स्टार्ट हुए थे, जो कि आज तक इतने बड़े हो गए हैं, इतने बड़े होने के बाद में ये 4 क्विंटल तक की प्रोडक्शन मेरे को दे रहे हैं। तो ये दोस्तों डिपेंड करता है आपके पौधे के साइज पे, छोटा साइज है तो आपका 50 किलो भी हो सकता है एक पौधे पे, और बड़ा प्लांट है जैसे 10 साल का प्लांट है तब आपको वो पूरा ग्रोथ दे सकता है, 3-4 क्विंटल एक पौधे से हो सकता है जी। यानी कि इसका जो बाग व्यस्क हो जाता है 6 से 7 साल का, 7 साल का तब आपका एक पौधे से 2 क्विंटल का आपका औसत आ सकता है, 200 किलो एक पौधे से, और 100 पौधे 1 एकड़ में है तो आपका 200 क्विंटल हो सकता है। यानी कि जब आपका बाग बड़ा हो गया बगीचा तो 200 क्विंटल से लेकर आपका 300 क्विंटल तक प्रोडक्शन हो सकता है। तो भाव क्या मिलते हैं किसानों? अब कमाई की बात, कमाई की बात तो ऐसे है, जैसे अगर मान लो जैसे ये पौधे हो गए तो एक बगीचे में 100 पौधे हो गए, 1 एकड़ में 100 पौधे लग गए, 100 पौधे लग गए तो एक पौधे पर 4 क्विंटल होता है, तो एक पौधा 10 रुपए के रेट से अगर बिकता है तो वो 4000 का प्रति हो गया, प्रति पौधा हो गया, तो 100 पौधे कितने हो गए, 4 लाख रुपए। ठीक है, तो इसको 1 एकड़ में जो अगर अपने को कमाई मिलती है तो 2 लाख से लेके 4 लाख तक अपने इसमें कमा सकते हैं। और इस पौधे की लाइफ कितनी होती है, कितने वक्त तक ये चलता है? ये 35 से 40 साल तक चल सकता है। दोस्तों ये जो खेती है आपके लिए इसलिए प्रॉफिटेबल है कि आप इसको एक बार लगाओ और इसके बाद आपका जो है 40 साल तक आपको कमाई मिलती रहेगी, लगभग 2 लाख से लेकर 4 लाख। तो इसमें जब पौधा लगाते हैं तो 1 एकड़ में कितना खर्चा आ सकता है? इस पौधे की कॉस्ट वैसे अपने जैसे नर्सरी से लेके आते हैं तो इस पौधे की कॉस्ट 30 रुपए से स्टार्ट होती है। 30 रुपए के जैसे कोई छोटा 1 साल का पौधा लेना चाहता है तो वो 30 रुपए में मिल जाता है, इम्पॉसिबल होता था, और अगर किसी को लेना है 2 साल का पौधा तो वो 60 रुपए 70 रुपए 80 रुपए तक मिलता है, तो वो भी इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आप लगा लो भी 80 रुपए का अगर पौधा मिलता है तो 100 पौधे लेते हैं तो 8000 रुपए खर्चे होते हैं, प्लांट का खर्चा हो गया। और आपका ड्रिप का 1 एकड़ में कितना खर्चा होता है? ड्रिप का 1 एकड़ में 20000 रुपए लगता है। और इस पे सब्सिडी वगैरह मिलती है? सब्सिडी वगैरह मिलती तो है, राजस्थान गवर्नमेंट की है स्कीम, पर वो नाम मात्र सब्सिडी है, 6-7000 रुपए मिलती है।
और दोस्तों अगर आप ड्रिप इरिगेशन में अलग अलग राज्यों में सब्सिडी अलग अलग है, जैसे यूपी में है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, पंजाब, हरियाणा, सबका अलग अलग राज्यों की अलग अलग है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कीम है। अगर आप ड्रिप इरिगेशन की सब्सिडी के बारे में जानना चाहते हैं, पूरी ड्रिप इरिगेशन का पूरा गणित आप समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उस पर एक पूरा कोर्स है ड्रिप इरिगेशन का, जिसमें आपको हर डिटेल मिलेगी, सब्सिडी के लिए अप्लाई कैसे करना है, सब्सिडी मिलेगी कैसे, ये आप वहाँ पर सीख सकते हैं। तो ये बात हो गई किन्नू की। तो किन्नू का मार्केट है, अब किसान सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि वो उगा तो लेता है लेकिन बेचना नहीं आता, तो किन्नू बिकता कैसे? किन्नू बिकता है कैसे है कि किन्नू के जैसे मतलब बाहर से बड़े ठेकेदार आते हैं जी, तो जैसे अपने बगीचा है 10 बीघा बगीचा है अपने, तो देख लिया घूम करके भी हाँ जी इसने इतना, इसमें 400 क्विंटल माल है, 4000 गाड़ी माल है, तो 4000 क्विंटल माल है, तो इसमें 40 गाड़ी माल के तक वो उस हिसाब से अपने को वो ठेकेदार हैं, वो इसको ठेके पे ले लेते हैं। अच्छा, सीधा मुका लेते, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वैसे बिक जाता है। अगर मान लो कोई उत्तर प्रदेश का किसान लगा रहा है, वहाँ पे ठेकेदार नहीं आते, या बिहार का लगा रहा है, तो वो कहाँ बेच करा सकता है, बाजार कहाँ पर है? बाजार दिल्ली भी बहुत बड़ी, आजादपुर मंडी दिल्ली है जो वहाँ बहुत ही बड़ी तादाद में बिक रहा है, और पंजाब में भी बहुत मंडियों में बिक रहा है, जैसे अपनी संगरूर है, अमृतसर है, बहुत मंडियों में पंजाब में भी बिक रहा है, और कोई जैसे यहाँ नहीं बेचना चाहता तो वो बांग्लादेश इसको ग्रेडिंग करके इसको वैक्सिंग प्लांट में ले जाते हैं, तोड़ के वहाँ से इसको ग्रेडिंग करके बांग्लादेश बेचते हैं, तो वहाँ अच्छा प्रोडक्शन मिलता है इसको, वहाँ से 50 रुपए से 60 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। तो उस वक्त तो आपकी कमाई वो 6-7 लाख तक पहुँच जाएगी एक एकड़ में। हाँ, वो अगर काश्तकार भेजता है तो उसको काश्तकार खुद अगर भेजता है तो उसको कमाई मिलती है। तो ये जो इसका बेचने का है ये बहुत ही आसान है, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं तो आप लखनऊ में बेच सकते हैं, कानपुर में बेच सकते हैं, जो भी आपका नज़दीक का बड़ा शहर है वहाँ आपका आराम से बेच सकते हैं। बिहार के हैं तो पटना में बेच सकते हैं, आपको बाजार में सब्जी जहाँ पर बिकती है वहाँ पर आपका किन्नू बिक जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे संतरा बिकता है वैसे बिक जाएगा। गुजरात के किसान हैं आप, महाराष्ट्र के किसान हैं, वहाँ पर आप खेती करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इसका प्रॉफिट मिलेगा। जो नींबू जहाँ पर उग सकता है वहाँ पर आप किन्नू की खेती कर सकते हैं, इसका बहुत ही सिंपल और सीधा सा गणित है, आपको ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है, जहाँ पर नींबू उगा सकते हैं वहाँ पर किन्नू उगा सकते हैं। तो विजय, आपका जो बगीचा, ये बड़े वाला बगीचा जैसे आपका 3 एकड़ का बगीचा बड़े वाला, इसका मैक्सिमम आपको कितना पैसा मिला एक साथ? इसका मैक्सिमम जैसे 3 किले है तो मेरा अभी 3 लाख रुपए किले के हिसाब से आ रहे हैं, 9 लाख रुपए मेरे को 3 एकड़ के आ रहे हैं। 3 एकड़ के? और सारा कितना बगीचा आपके पास? सारे मेरे पास 6 एकड़ है। हाँ, तो कभी 18 लाख, कभी 17 लाख, वो तो जैसे मार्केट रेट होता है उसी के हिसाब से पैसे आ रहे हैं, कभी 18 लाख, कभी 17 लाख, कभी 16 लाख, ऐसे आ रहे हैं। तो मतलब जैसे पिछली दफ़ा किन्नू में फ्रूटिंग थोड़ी कम थी, तो कम की वजह से रेट थोड़े अच्छे थे, 27-28 रुपए 30 रुपए तक बिका था, तो अच्छे पैसे आए थे। तो कुल मिलाकर यह है कि आपका 2-2.5 लाख से लेकर 4 लाख रुपए तक की रेंज आपकी औसत रह सकती है इस कमाई का, ये इसका सबसे अच्छा फायदा, और ये एक बार आप लगाएंगे 40 साल तक इससे पैसा कमा सकते हैं। तो विजय, आपका जो ये किन्नू का बगीचा आपका काफ़ी अच्छी अर्निंग दे रहा है आपको, तो आप जो किसान हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो भारत के हैं या भारत के बाहर के, उनको क्या कहना चाहेंगे, इसके प्लांट कहाँ मिल सकते हैं? इसके प्लांट हमारे यहाँ गंगानगर में भी उपलब्ध हैं, और हमारे पंजाब में एक गाँव सप्पा वाली है, वहाँ भी इसके किन्नू के प्लांट उपलब्ध हैं, और हरियाणा के अंदर हमारे जो सक्ता खेड़ा के पास में एक किन्नू की बहुत अच्छी नर्सरी है, वहाँ भी इसके प्लांट उपलब्ध हो सकते हैं। तो प्लांट सब जगह मिल जाएंगे? हाँ, प्लांट सब जगह मिल जाएंगे, और हमारे यहाँ एक अधिकारी थे अमर सिंह जी पूनिया 12 KSD से, उन्होंने मंगयाना में एक बहुत अच्छी नर्सरी खोली हुई है, वहाँ से भी आप इसका प्लांट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ये तो बात होगी प्लांट की, तो जो किसान खेती करना चाहते हैं किन्नू की, उनको क्या कहना चाहेंगे, आपका अनुभव जो 20 साल का है उसके आधार पे क्या कहना? मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप किन्नू लगाते हैं तो आपकी कमाई के लिए भी बहुत अच्छा साधन है ये, और इस पौधे से आप एक बार लगाओगे तो 40 साल तक इससे माल पाओगे। तो भैया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, थैंक यू आपने। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से किन्नू है, ये एक ऐसा फ्रूट है जिसको आप उगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, और इसके सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक साथ आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, पूरे साल में जब इसकी खेती होती है तो आप इसको एक साथ हार्वेस्ट करके बेच सकते हैं, और बहुत लंबे वक्त तक ये पेड़ पर रह सकता है, इसलिए आपको ज़्यादा स्टोरेज का इशू इसमें नहीं आएगा। तो आप किन्नू की खेती कर सकते हैं, और इसके बारे में पूरा आपने जान लिया है, अगर और भी डिटेल चाहिए तो आप इसमें कॉमेंट बॉक्स में लिख कर जानकारी ले सकते हैं, और हम आपको नंबर प्रोवाइड करवा देंगे किसानों के, उनसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, अगले वीडियो में बात होगी किसी नई जानकारी के साथ, नए किसान के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाजत, नमस्कार, बने रहिए, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही एक चीज़ आपको और करनी है, फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है।